नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सन्नी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा आप सभी ने जरूर देखी होगी। यह फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी। जानकारी के लिए बता दें तो माने तो सनी देओल की इस फिल्म में करीब 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ किया गया था। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा भारत के किस शहर में शूट की गई थी और हैंडपंप खाने वाला सीन किस राज्य में शूट किया गया था। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। सनी देओल के करियर की सबसे अधिक कमाई करने की लिस्ट में यह फिल्म पहले स्थान पर आती है। लेकिन हम आप में से कई लोग सोचते होंगे कि सनी देओल के हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन किस राज्य में शूट किया गया था। आपको बता दें कि भारत के मैसूर राज्य, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। सनी देओल के इस अंदाज को सबसे अधिक पसंद किया गया था। गदर फिल्म में हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन दर्शकों को सबसे अधिक पसंद आया था। आपको बता दें, लखनऊ के प्रसिद्ध लामार्ट बायोस स्कूल में शूट किया गया था। इस फिल्म में सनी देओल के अलावा अमरीश पुरी और अमीषा पटेल के अभिनय की भी काफ़ी तारीफ हुई थी। 18 साल के बाद भी गदर एक प्रेम कथा के फिल्म के डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर हैं। इस फिल्म को भारत में तकरीबन सभी लोगों ने देखा होगा। दोस्तों, आपको यह फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और ऐसी सनसनीखेज और फिल्म जगत से जुड़ी खबरें